हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं चाइनीज़ थाली। तो उसमें हमारा रेसिपी है वेज फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन। तो उसके लिए हमने ढेर सारी सब्जियां चॉप कर ली है मंचूरियन के लिए, फ्राइड राइस के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें चॉप करना, क्या क्या कट कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गाजर अच्छे से छील के धुल लेना है और बीन्स धुल लेना, ये है फ्राइड राइस के लिए। तो इसको मैंने क्या किया, चॉपर ले लिया। चॉपर में इसे अच्छे से चॉप करना, हमें फाइन चॉप करना। अगर आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, नो इशू। फिर अब मैंने बीन्स चॉप कर लिया। उसके बाद आप किसी एक छोटे से बाउल में अलग से रख दीजिए, ठीक है। और हाँ, बर्तन काफ़ी जूठा हुए थे इतना बता देती हूँ, तो धुल के रखना होगा, ठीक है। अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने गाजर भी चॉप कर लिया। फिर अभी कैबेज मंचूरियन के लिए हमें करना है चॉप करना है। फिर एक शिमला मिर्च लिया, दो गाजर लिया और एक 200 ग्राम जैसा मैंने कैबेज लिया था। और लहसुन भी चॉप करना है, अदरक चॉप करना है, हरी मिर्च चॉप करना है, सारा चीज़ चॉप करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चॉप करना है। सबसे पहले हम चॉप करेंगे शिमला मिर्च चॉपर में। इससे क्या होता है, ईज़िली हम टाइम कंज्यूमिंग जो होता है ना हाथ से चॉप करने का, ईज़िली वो टाइम बच जाता है और आप बहुत जल्दी झटपट से बना के रेडी करें। तो आप देख सकते कितना अच्छे से सारा मैंने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने चॉप किया है ओनियन, जो कि ये लगेगा मंचूरियन में, कैबेज, शिमला मिर्च, ये गाजर मैंने चॉप किया था शिमला मिर्च वो फ्राइड राइस के लिए, धनिया की पत्ती और ये बीन्स, फिर शिमला मिर्च, गाजर और ये अदरक क्रश किया हुआ है, हरी मिर्च क्रश किया हुआ है और ये है लहसुन। लहसुन क्वांटिटी मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगता है मंचूरियन वगैरह में, आपको भी पता होगा। तो चलिए पकौड़ी के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसमें क्या करिए ना, पत्ता गोभी जो चॉप किया था वो डाल दीजिए, उसके बाद गाजर को डाल दीजिए, शिमला मिर्च को डाल दीजिए, और अगर आपके पास हरा शिमला मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप येलो ढूंढने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप हरा, लाल, पीला जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 3 चम्मच डाला था मैदा, बाउंडिंग अच्छी अच्छा बने। और फिर मैंने 5 चम्मच इसमें डाला था, छोटा चम्मच नहीं बड़ा चम्मच से आपको डालना है, 5 चम्मच मैंने डाला था इसमें कॉर्नफ्लोर। और आप चाहिए तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मुझे तीखा नहीं बनाना था, बच्चे के लिए बनाना था, मेरा बच्चा काफ़ी अच्छा पसंद किया था तो मैंने वो डाल, इसलिए मैंने काली मिर्च स्किप किया था। आप हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं। और फिर मैंने नमक डाला इसमें, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया और फिर इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी, क्योंकि हल्दी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, हल्दी डालना चाहिए। तो सभी को अच्छे से मैश कर लीजिए, और अगर पानी की ज़रूरत लगे तो आप पानी डाल के इसे अच्छे से धीरे धीरे गूँथ लीजिए। वैसे पानी की क्वांटिटी नहीं लगी थी क्योंकि सब्जी ऐसे ही पानी छोड़ती हैं, तो ये हो मतलब अच्छे से मतलब गूथ गया था, ये अच्छे से बन गया था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा विदाउट पानी है ये, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया क्योंकि नमक भी नमक डालने से सब्जियों से पानी छोड़ता है। फिर एकदम तेल को गर्म रखना है, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, मैं इसमें तेल एकदम अच्छे से गर्म कर ली थी और फिर इसमें छोटा छोटा पकौड़ी डाल के छान ली, मतलब उलट पलट के धीरे धीरे। सबसे पहले आपको फ्लेम को तेज रखना है, पकौड़ी डालना है, उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उलट पलट के धीरे धीरे सेकना है और फिर लो स्लो कर देना है, एकदम लो करने के बाद आपको 1 मिनट जैसा, ताकि क्रिस्पी हो जाए, अंदर से क्रिस्पी होने के लिए हमें एकदम मीडियम को मतलब फ्लेम को लो करना है, ठीक है। और फिर आप तेज करिए, थोड़ा क्रिस्पी होगा, उसके बाद आप निकाल लीजिए छान के। और छान मतलब इतना टेस्टी लगता है ना ये पकौड़ी, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर लोगों को दाल चावल आपके घर में बनता है ना, सब्जी नहीं है कोई, तो आप ऐसी पकौड़ी छान के भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। आप ऐसा पकौड़ी छान के अपने बच्चे को भी दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें, गाजर है, शिमला मिर्च है, कैबेज है और लहसुन अदरक भी डलेगा पेस्ट डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही यम्मी लगता है ये, बहुत ज़्यादा आप स्नैक्स टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी यूज़ करते हैं। इसे एक नाम से और जाना जाता है, चाइनीज़ पकौड़ी भी इसे बोलते हैं। ये चाइनीज़ पकौड़ी भी अगर आप मंचूरियन की ग्रेवी में ना डाल के ना ऐसे ही खाएंगे तो आप चाइनीज़ पकौड़ी ये बोला जाता है। तो बस मैंने उलट पलट के इसे अच्छे से सेक लिया, बहुत ही क्रिस्पी बना था, सच्ची बता रही हूँ आप। जितना मैंने जितना क्वांटिटी बताया ना, उतना ही क्वांटिटी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा। एक बार और रिमाइंड करा दे रही हूँ, मैं 3 चम्मच डाली थी मैदा और 5 चम्मच डाली थी कॉर्नफ्लोर का आटा।
इससे काफ़ी अच्छा बना। कुछ लोग बेसन ऐड करते हैं, बेसन बिल्कुल मत ऐड करिए, उससे टेस्ट एकदम ही अलग हो जाता है। पकौड़ी भी अगर बनाते हैं ना तो बेसन बहुत ही कम जरा सा ही यूज करिए। मैं पकौड़ी की भी रेसिपी अपलोड करूँगी, आप देखिएगा। मैं बेसन बहुत ही क्वांटिटी में कम डालती हूँ और चावल का आटा ज़्यादा लेती हूँ, उससे क्रिस्पी बहुत अच्छा बनता है पकौड़ी, बहुत ही अच्छा। तो मैं इसे धीरे 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 छान रही थी, फ्राई कर रही थी इसको, और फ्राई करने के बाद मैं इधर उधर से ऐसे हिला डुला के इसे अच्छे से फ्राई करना, ताकि चारों तरफ से ये सिक जाए अच्छे से, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो मुझे तो ऐसे ही देख के पानी आ गया, मुँह में खाने का मन किया। बट मैं एक्चुअली कभी भी कुछ बनाते हूँ ना, तो जब मेरा बच्चा मेरे पास होता है तो मैं शेयर करके खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसे गई बुलाने, वो घर पे थी नहीं, कहीं गई थी, घर से मतलब बुला के लाई, फिर हम दोनों ने खाया थोड़ा सा, और हस्बैंड भी आए तो उन्हें भी दिया, तो उन्हें भी काफ़ी पसंद आया, बोल रहे हैं हाँ काफ़ी टेस्टी लग रहा है ये पकौड़ी। तो मैं बोली ये पकौड़ी पूरा सादा नहीं खाना है, मंचूरियन में डालूंगी, खा मत लीजिए। फिर चलिए इस फ्राइड राइस के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें लेना है एक भगोना, उसमें पानी डाल लीजिए, आपके पास कोई भी पतीला हो आप उसमें बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इलायची लिया छोटा, एक लौंग लिया, काली मिर्च लिया, और जीरा लिया, तेज़पत्ता लिया, सभी को पानी में डाल दीजिए। उसके बाद हमें इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है, नींबू का रस डाल देना है, इससे कुछ भी ख़राब नहीं होगा। नींबू का रस हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्राइड राइस में, और ऑयल इसलिए डाला क्योंकि चावल भर भरा सा बने, अच्छा बने, सटा ना रहे, ठीक है, बेकार सा लगता है, तो इसलिए हमें ऐसे डालना। जब पानी ऐसे खौलने लगे तो फिर हमें इसमें क्या करना है, डाल देना है चावल, और हमें इसे पूरा पका लेना है चावल को। हम बिरयानी नहीं बना रहे जो हमें 80% 70% पकाना है, हमें पूरा ही पकाना है चावल। अच्छे से पका दीजिए, अच्छे से मिला के, और फिर चलिए अब तैयारी करते हैं मंचूरियन की। तो इसके लिए हमें मंचूरियन के लिए करना है तेल गरम करना, उसमें डाल देना है जीरा, फिर हमने डाला अदरक जो चॉप किया हुआ था, उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए अदरक, क्योंकि अदरक को ज़्यादा टाइम लगता है फ्राई होने में। तो जब ये थोड़ा लाल हो जाए ना, तो फिर आप इसमें लहसुन डालिए, और ये देखिए मैं काफ़ी अच्छे से फ्राई कर रही थी इसको, और उसका लहसुन डाल दिया जो चॉप किया हुआ था, और हाँ हरी मिर्च भूल गई थी, आप हरी मिर्च डाल दीजिएगा तुरंत, मैं बाद में डाली थी। उसके बाद इसे भी अच्छे से थोड़ा लाल हो जाने दीजिए, फिर आप डाल दीजिए प्याज, और फिर आप प्याज को चाहिए तो चॉप करके एकदम महीन चॉप भी डाल सकते हैं, ठीक है, चॉपर से। और फिर शिमला मिर्च भी डाला मैंने, शिमला मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं जैसे चिली पनीर में होता है मैं वैसा डाली थी प्याज और शिमला मिर्च को। फिर नमक डाल दीजिए, थोड़ा गल जाए, फिर इसे कवर कर दीजिएगा ताकि अच्छे से सीज जाइए, ठीक है। जब अच्छे से थोड़ा पक जाता ना तो कचर कचर नहीं करता, नहीं तो कच्चा कच्चा सा आता है तो अच्छा नहीं लगता मुँह में। वैसे मुझे तो पसंद है, लेकिन बच्चे के लिए मुझे बनाना तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर अभी हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जो कि पहले ऐड करना था, मैं बाद में ऐड की हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, अच्छा बन गया था। फिर अच्छे से मिला दीजिए इसे, और मिलाने के बाद फिर हम फ्राइड राइस के लिए तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें तेल लेना है, जीरा डाल देना है, और चॉप किया हुआ जो बीन्स था वो डाल देना है, और इधर ये क्या करना है, गाजर भी डाल के, और इसे अच्छे से फ्राई कर देना है, मतलब इसे भी अच्छे से मिक्स करके तेल में। और फिर आप चाहिए तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, या फिर ना ही डालिए तो चलेगा। और फिर इसे कवर करके इसे भी पकने दीजिए अच्छे से। जब ये पक जाएगा ना, फिर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आप ज़्यादा मत पकाइए, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। आप होटल्स में खाते होंगे तो कलर एकदम नॉर्मल ही रह जाता होगा ना हरा और गाजर का, तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर चलिए देख लेते हैं शिमला मिर्च जो हम लोग तैयार कर रहे थे मंचूरियन के लिए, वो कैसा है। तो हमारा शिमला मिर्च और प्याज भी गल चुका है, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो भी सॉस वगैरह हमें ऐड करना है तो वो हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिए सोया सॉस, उसके बाद हम डालेंगे, मैंने सोया सॉस डाला, उसके बाद मैं डाली विनेगर डाल दी थी, और देन हम उसके बाद डाले, थोड़ा सा क्वांटिटी कम लग रहा था मैंने और ले लिया। फिर ये मेरे पास रेड चिली सॉस था सिंग चेंग का, तो वो मैं डाली थी, ये यहाँ मिलता है हमारे गैंगटॉक में, तो इसलिए मैं यूज़ की थी इसका, काफ़ी तीखा तीखा लगता है, अच्छा लगता है, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डाली टमाटो सॉस, टमाटो केचप डाली, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इन सबको, आप इसमें थोड़ा सा ना चीनी भी ऐड कर दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैंने चिली सॉस भी ऐड किया, और फिर इसे ऐसा भी वो अच्छे से मिला दीजिए, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। फिर इसे मिक्स करने के बाद फिर आप एक बाउल लीजिए, और बाउल में कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, और कॉर्नफ्लोर में पानी घोल दीजिए, जैसे कि इसमें थिकनेस जिससे लाना हमें कॉर्नफ्लोर से ही आता है,
तो इसके लिए। और फिर अभी हमें चीनी डालना है, ऐड करना है। मैं चीनी हाफ टी स्पून जैसा ऐड की थी, और इसे टेस्ट अच्छा आता है, मीठापन नहीं रहेगा, टेस्ट अलग होता है बस, ठीक है। तो ये मैंने मिला दिया अच्छे से, और हाँ इतना गजब का टेस्ट बना था, टेस्टी बना था ना ये, जितना गजब का टेस्ट लग रहा था इसका क्या ही बताऊँ। फिर से मैंने मतलब धनिया की पत्ती काट के उसको डाल दीजिए, जो कि चार चांद लगाने वाला सब्जियों में है ना। फिर मैं इसमें क्या की, घोल बनाई, जो बताया ना कॉर्नफ्लोर और पानी का, तो उसको मैंने घोल बनाया अच्छे से, और धीरे धीरे डाली, एक बार में मत डाली नहीं तो वो ठीक हो जाता है, फिर वो ख़राब सा दिखता है, अजीब सा। तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी करके दो दो चम्मच तीन तीन चम्मच करके ही डालिए, तो ज़्यादा अच्छे से होता है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करके इसे अच्छे से डालिए, और फिर इसको अच्छे से मिलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं कितना ठीक हो गया, ये देखिए आप, ठीक हो गया ना ये। तो फिर मैंने और भी डाला, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने डाला, जब ये थोड़ा मिक्स हो गया अच्छे से, और फिर इसे ना अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद ये इतना अच्छा मतलब टेक्सचर आ जाता है इसका, कि मतलब होटल में जैसा मिलता है ना, आप होटल में ना जाके घर पे ही बना लीजिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हाँ बहुत ही अच्छा और हेल्दी बन जाता है, क्योंकि होटल्स में विश्वास नहीं होता। फिर मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, मैंने नमक ऐड किया, और फिर मैंने पानी ऐड किया, क्योंकि टेक्सचर थोड़ा ठीक हो गया था, तो मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मतलब थोड़ा पतला कर रही थी इसका, क्योंकि पकौड़े पे डालने के बाद ये हार्ड हो जाता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मुझे फ्राइड राइस के साथ खाना था, ऐसे स्नैक्स टाइम के वगैरह के लिए आप हार्ड ठीक ही रख सकते हैं, बट मुझे फ्राइड राइस से मतलब सर्व करना था, तो मैंने थोड़ा पानी डाल के इसका लिक्विड पतला कर दिया ग्रेवी, और फिर मुझे काली मिर्च मैंने डाल दिया ऊपर से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। काली मिर्च से क्या है कि मतलब तीखापन थोड़ा सा अच्छा लगता है, तीखापन सा आता है। आप हरी मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च की पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चे के लिए था, बच्चा मेरा बहुत पसंद किया था, फर्स्ट टाइम मैंने मतलब उसको दिया तो काफ़ी पसंद की, उसको पसंद आया, और फिर वो ना सुबह स्कूल में भी ले गई, उसे इतना पसंद आया ये। तो उसके बाद जब ये थोड़ा पक जाए 5 मिनट बाद ना, तो फिर आप इसमें धीरे पकौड़े डाल दीजिए, पकौड़े देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर इसे मिला दीजिए अच्छे से, और कोट कर, मतलब मिल जाएगा जब ये, तो थोड़ा सा आप इसको ना ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, जैसे कोरिएंडर लीव्स वगैरह से आप ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो बस हमारा मंचूरियन बनकर रेडी हो गया, अभी हम कवर कर देते हैं थोड़ा, 2-4 मिनट के लिए अच्छे से पक जाए, अंदर तक ग्रेवी चला जाए, सॉफ्ट हो जाए। चलिए चावल का देख लेते हैं क्या है इनका मतलब इनका स्टेटस, तो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है ये भी सब्जी भी हमारा। तो अब इसमें भी हमें काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, और नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और आप चाहिए तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट स्किप कर दीजिए, ठीक है। और फिर मैंने इसमें डाला विनेगर काफ़ी अच्छा टेस्ट लाने के लिए, फिर नमक ऐड किया मैंने, और इसे अच्छे से सबको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद इसमें आप डाल दीजिए चावल, जो आप चावल सीजे थे ना वो डाल दीजिए चावल, और चावल का पानी हमें फेंक के डालना है चावल, ठीक है, पानी सहित मत डाल दीजिएगा, पानी फेंक के डालना है। फिर मुझे लगा कि सोया सॉस भी थोड़ा डाल देते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस वगैरह में होता है, तो मैंने ज़रा सा ही डाला था सोया सॉस, और फिर इसे अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा और भी भुनना है, जैसे 5 मिनट तक, फिर चावल ऐड कर दीजिए। चावल में से आप करी लीव्स हटा दीजिए और सारे मसाले रहने दीजिए, करी लीव्स ही केवल हटाइएगा, सॉरी तेज पत्ता, हाँ वो हटा दीजिए, बे लीव्स वो हटा दीजिए, और भूल गई थी मैं नाम, सॉरी, तो वो हट निकाल दीजिए, और सारे खड़े मसाले रहने दीजिएगा, उसको मत निकालिएगा, वो रहता है तो अच्छा लगता है मसाला थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कितना मस्त बन गया चावल हमारा, फ्राइड राइस भी तैयार हो गया, और हमारा मंचूरियन भी तो हो गई, हमारी चाइनीज़ थाली रेडी। तो खाइए, खिलाइए, इंजॉय करिए, और खाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत स्किप करिएगा, और नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और लोगों तक शेयर करिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो हमारा मंचूरियन भी रेडी हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा टेक्सचर इसका आया है, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ। आप ज़रूर एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, काफ़ी पसंद। तो चलिए अभी सर्व कर लेते हैं इसे। सर्व करने के लिए हमें प्लेट में निकाल दीजिए इसे, और उसके बाद आप चाहिए तो ऊपर से कोरिएंडर लीव से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और फिर मैंने कोरिएंडर लीव से भी इसको डेकोरेट किया, आप देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं इसे तोड़ के कि कैसा मतलब अंदर का क्या है इसका स्टेटस।
तो बहुत ही यम्मी लग रहा था। आप देखिए, पानी मत लाइए मुंह में, जाइए और फटाफट से सब्जियां मंगाइए ढेर सारी और बनाइए और देखिए कैसा बना और कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हाथ से थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं कि कैसा बना है। काफ़ी गर्म था तो मुझे बहुत गर्म गर्म सा लग रहा था। ये देखिए काफ़ी अच्छे से अंदर तक भी घुल गया है और काफ़ी सॉफ्ट पकौड़ियाँ भी बना था। तो चलिए थाली को सजाते हैं। खा देखिए कितना जूसी सा हुआ है पकौड़ी इसका। तो चलिए थाली को सजाते हैं। फ्राइड राइस भी बहुत अच्छा कलर दिख रहा है आपको, तो फ्राइड राइस भी बहुत बढ़िया बन गया था। काफ़ी क्वान्टिटी वगैरह भी हर चीज़ का अच्छा डल गया था। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा एक बार और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा बताएंगे आप तो। और बनाइएगा तो ज़रूर, क्योंकि बहुत ही यम्मी बना था। तो थाली में निकालते हैं फ्राइड राइस और फैमिली को खिलाते हैं, अपने खुश करते हैं उनका मन। तो फ्राइड राइस आप देखिए कितना मस्त बना है। मैंने मंचूरियन डाल दिया, आप चाहिए तो प्याज भी काट सकते हैं, लच्छेदार प्याज भी बना सकते हैं मसाला डाल के, जो कि मैंने धुसके वाली रेसिपी में बताया। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।